हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं द पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 12। दादी, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। सुकून की बात सुनकर दादी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर सुकून वहाँ से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सुकून वॉशरूम के अंदर गई, तभी वॉशरूम से बाहर आ रहे दो लोगों से सुकून टकरा गई। सुकून अचानक टक्कर लगने से नीचे गिरती, उससे पहले ही सामने वाले इंसान ने सुकून का हाथ पकड़ उसे गिरने से बचा लिया। सुकून की आंखें गिरने के डर से बंद हो गई थी, लेकिन जब सुकून को किसी भी तरह के दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े उसे बचाने वाले इंसान को देखा। वो पहले तो खुद को बचाने वाले अपने सेवियर को थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसका सेवियर कौन है तो उसका चेहरा उतर गया। उसका सेवियर और कोई नहीं बल्कि श्रुति थी। जैसे ही श्रुति ने सुकून को देखा तो वो तुरंत ही सुकून को गले लगाकर बोली, कैसी हो सुकून? एक पल के लिए सुकून जम गई थी। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ पर वो अपनी बहन से मिल पाएगी। श्रुति सुकून को देखकर काफी खुश होकर बोली, कहाँ चली गई थी मेरी बहन? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। और मॉम डैड का तो रो रो कर बुरा हाल है, वो तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। सुकून बस श्रुति की तरफ देख रही थी और वो श्रुति की बात सुनकर बोली, पर मॉम डैड क्यों परेशान है? उन्होंने तो खुद मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था, फिर अब उन्हें मेरी क्यों याद आ रही है? आप झूठ बोल रही हो ना दी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मॉम डैड उस दिन गुस्से में थे और उन लोगों ने गुस्से में तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं और तुम्हें तो पता है तुम शुरू से ही उनकी लाडली रही हो। लास्ट की लाइन श्रुति थोड़ी गुस्से से बोल रही थी, पर सुकून ने ये ध्यान नहीं दिया। वो श्रुति की बातें सुनकर बोली, क्या सच में मॉम डैड मेरे लिए परेशान है? वो मुझे याद करते हैं? सुकून बहुत खुश हो गई थी कि उसकी मॉम डैड उसे याद करते हैं। हाँ पगली, क्यों नहीं याद करेंगे? मैंने तुझे अभी तो बोला कि तुम उनकी कितनी चहेती बेटी हो। मॉम डैड का उस दिन रो रो कर बुरा हाल हो गया था, उन लोगों ने तुम्हें गुस्से से घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया, तो तू क्यों चली गई? तुझे तो रुकना चाहिए था ना, तू वहीं रहती तो उनका गुस्सा शांत होता, फिर वो खुद तुझे अपने आप अंदर आने देते। मैं क्या करती दीदी, मैं तो बहुत देर तक वहीं बैठी हुई थी, पर मॉम डैड तो इतना नाराज थे कि उन्होंने मुझे पलट कर भी नहीं देखा और गार्ड से कहकर मुझे घर से बाहर फेंकवा दिया। इतना बोलते हुए सुकून की आंखों से आंसू गिरने लगे। श्रुति ने तुरंत ही सुकून की आंखों से बह रहे आंसू को साफ किया और उसे संभालते हुए बोली, बस करो, अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। और मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? श्रुति इस तरह से बोल रही थी जैसे मानो उसे सुकून की बहुत ही ज्यादा चिंता हो, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मैं ठीक हूँ दी, मैं बस यहाँ डॉक्टर के पास कुछ चेकअप कराने आई थी। सुकून श्रुति के हाथ को पकड़कर बोली। श्रुति सुकून की बात पर उससे बोली, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? कैसा चेकअप कराने आई थी? श्रुति एक बार फिर से परेशान होने का नाटक करने लगी। नहीं दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। रिपोर्ट मुझे कल तक मिल जाएंगे और मैं यहाँ पर दादी के साथ आई हूँ, वही जिन्होंने मुझे उस रात बचाया था। इतना बोलकर सुकून एक एक करके सारी बातें श्रुति को बताने लगी। श्रुति सभी बातों को बड़े ही गौर से सुन रही थी, पर सुकून ने अपनी बातों में शाश्वत का जिक्र कहीं नहीं किया, इसलिए श्रुति को पता ही नहीं चला कि सुकून इतने दिन से जहाँ रह रही थी वो किसी और का नहीं, शाश्वत का ही घर था। ठीक है तो जाओ, जल्दी से अपनी दादी से मिल लो और मेरे साथ घर चलो, क्योंकि मैं अब और मॉम डैड को दुखी नहीं देख सकती, मैं उन्हें आज बहुत ही बड़ी खुशी देने वाली हूँ। श्रुति ने एक्साइटेड होकर सुकून के कंधे को पकड़ कर कहा। श्रुति की बातें और उसकी एक्साइटमेंट को देखकर सुकून को लगा कि सच में श्रुति उसे घर ले जाने के लिए कितनी खुश है, इसलिए सुकून श्रुति से बोली, ठीक है दी चलते हैं, लेकिन आप चलो ना दादी से मिल लो, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। श्रुति जो अभी सुकून की दादी से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी, वो कुछ बहाना बनाती उससे पहले ही उसके हाथ में पड़ा फोन बज उठा, जिस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर श्रुति मुस्कुराती हुई सुकून से बोली, तुम जाओ जाकर उनसे मिल लो और उनसे कह दो कि तुम मेरे साथ वापस जा रही हो, मैं कभी और उनसे मिल लूंगी, अभी मुझे ये कॉल अटेंड करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। सुकून कुछ नहीं बोल पाई और मुस्कुराते हुए वहां से दादी की तरफ बढ़ गई। दादी वहीं बेंच पर बैठी हुई सुकून का इंतजार कर रही थी। सुकून दादी के पास मुस्कुराते हुए आई और तुरंत दादी के गले लगकर बोली, दादी आज मैं बहुत खुश हूँ। सुकून की ऐसी बातें सुनकर दादी भी खुश हो गई और उससे बोली, क्या हुआ बेटा, आप इतनी खुश क्यों हो? दादी के पूछने पर सुकून हंसते हुए बोली, दादी आपको पता है आज मेरी बड़ी दीदी मिल गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मॉम डैड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है और मुझे ढूंढ रहे हैं,
मैं ही पागल थी जो मॉम डैड की थोड़ी सी नाराजगी को सह नहीं पाई और यहाँ चली आई। उन लोगों का रो रोकर बुरा हाल है, इसलिए दी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है दादी। दादी सुकून की बात सुनकर सुकून के लिए बहुत खुश हुई, पर सुकून के दूर जाने की बात पर वो थोड़ी उदास भी हो गई थी। पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए तो तुम आ सकती हो। मेरे घर का और मेरे दिल का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। सुकून भी दादी के हाथ को पकड़कर बोली, दादी आपको पता है आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने मॉम डैड को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दादी सुकून की आंखों में खुशी को साफ देख पा रही थी। सुकून को खुश देखकर दादी को भी बहुत अच्छा लगा। आज इतने दिनों बाद दादी ने सुकून की आंखों में इतनी खुशी देखी थी। दादी तुरंत सुकून को गले लगाकर बोली, बेटा मुझसे दूर होकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना। दादी की बात पर सुकून भावुक हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। वो अपनी नम आंखों के साथ दादी की तरफ देखकर बोली, दादी ये कैसी बातें कर रही हो, भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप ही तो वो हैं जब सबने मुझे ठुकराया था तो आपने मुझे अपनाया। आप तो मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं, और अब तो हम लोग एक ही शहर में हैं तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। मैं आपसे मिलने के लिए हमेशा आती रहूँगी, लेकिन अभी मुझे अपने दी के साथ जाना होगा। दादी के उदास चेहरे को देखकर सुकून का चेहरा भी मुरझाने लगा था, जिसे देखकर दादी ने मुस्कुराते हुए सुकून के सर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ बेटा जाओ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपने मॉम डैड के साथ खुश रहो, पर हाँ मुझसे मिलने आते रहना। दादी की बात पर सुकून तुरंत एक बार फिर से दादी के गले लग गई और उनसे बोली, ज़रूर दादी मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। इतना बोलते हुए सुकून की आंखों से एक कतरा आंसू गिरा, जिसे उसने तुरंत साफ कर दिया। वहीं दादी की भी आंखें नम हो गई थी। कुछ देर बाद सुकून दादी से अलग हुई और वहां से जाने के लिए दूसरी तरफ बढ़ गई। वहीं श्रुति फ़ोन पर किसी इंसान से बातें कर रही थी। उसके फ़ोन पर इस वक्त कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। श्रुति ने उससे बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, बेबी तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच, और बहुत जल्द मैं तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है बेबी। दूसरी तरफ से उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात पर तेज़ तेज़ हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अच्छा तब तो मैं जल्दी इंजॉय करना चाहूँगा। ऑफकोर्स बेबी मैं भी तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। इतना बोलकर श्रुति सिडक्टिव आवाज़ में बोली, आई लव यू बेबी। इतना बोलकर वो कॉल कट करने ही वाली थी कि उसी समय उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस कर श्रुति बुरी तरह से डर गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। किसने रखा है श्रुति के कंधे पर हाथ, और श्रुति अपने बॉयफ्रेंड से किस प्लान के सक्सेसफुल होने की बात कर रही थी। जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।